हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम जा रहे हैं सूर्या गांव घूमने। तो ये भीमताल से थोड़ा ही दूर है, तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर करूं। चलो आप भी हमारे साथ साथ बने रहें। देखिए भीमताल में भी कितना क्राउड हो गया है, काफी भीड़। सो गाइज, हम आ गए हैं सूर्या गांव में और ये देखिए काफी ऊंचाई पर आ चुके हैं हम। और अभी मैं दिखाऊंगी आपको, यहाँ नीचे से ऊपर से मतलब नीचे की साइड देखते हैं तो हल्द्वानी दिख रहा है। आज मौसम थोड़ा धुंधला सा है इसलिए साफ नहीं दिख रहा। ये देखिए, ये सामने है हल्द्वानी। और ये देखिए नीचे दिख रहे हैं ये गांव के रास्ते, गांव के मकान। गाइस देखिए इन बच्चों को, ये अपनी फोटो में लगे हुए हैं। जल्दी आओ, लेट हो जाएंगे फिर हम। ले जाता कहीं नहीं आते इस टाइम। आप जाइए, मेरे को तो डर लग रही है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सूर्या गांव और यहाँ से देखना ये सामने दिख रहा है सात ताल। और यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। और अभी हम निकल पड़े हैं यहाँ पर पैदल, थोड़ा नीचे तक जाके देखते हैं कि क्या है। दिख नहीं रहा लग रहा है। ये देखिए गाइस, यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रहा है सात ताल। और ये गाड़ी का भी रास्ता है, यहाँ से बिल्कुल पास में पड़ेगा सात ताल सूर्य गांव से। Thank you.
अभी हम यहाँ पे आए हैं लंच के लिए। और ये देखिए कितना प्यारा, कितना अच्छा लग रहा है। हैं पहुँच गए ना। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं लंच के लिए। ये देखिए कितने आगे आगे चले जा रहे हैं। और पहाड़ों में चल चल के हालत खराब हो जाती है। अभी भी मुझे अपनी गाड़ी तो नहीं दिखाई दे रही, तो मुझे लग रहा है कि काफी चलना पड़ेगा पैदल। और चढ़ाई चढ़ चढ़ के हालत खराब हो गई है मेरी। पता नहीं कितनी ऊपर चले गए हैं बच्चे, तो वो दिख रहे हैं लेकिन गाड़ी नहीं दिखाई दे रही कि कहाँ है गाड़ी। सो गाइस अभी हम आ गए थे गलत रास्ते पे और अभी हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते पे। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कैफे में। और पहले हम गलत रास्ते पे चले गए थे, फिर एक भैया मिले, उन्होंने हमें इस कैफे का रास्ता दिखाया। और अभी हम जा रहे हैं लंच करने।